बैंककर्मी हत्याकांड का हुआ खुलासा। फतवा फोर लेन पर सेवानिवृत्त बैंककर्मी के हत्या मामले में शूटर सहित चार अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। सेवानिवृत्त बैंककर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या बीते 5 जून को अपराधियों ने फतवा फोर लेन पर बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है और इस घटना में संकलित शूटर सहित चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विषय में बताते हुए ग्रामीण ASP कंटतेश कुमार मिश्र ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता शैलेंद्र कुमार का दामाद ही निकला, जो अपने ससुर की हत्या में शामिल था। आरोपी दामाद ने ससुर को फर्जी जमीन दिखाकर 50 लाख रुपए की ठगी कर ली थी और ससुर द्वारा जमीन के कागजात मांगे जाने पर टाल मटोल कर रहा था। पुलिस के अनुसंधान में दामाद की भूमिका संदिग्ध दिखी, जिसमें जांच के बाद आगे बढ़ते हुए पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा चंद दिनों में ही कर डाला। पकड़े गए अपराधियों के पास से हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल, स्कूटी, एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किया है। पूछताछ में अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार भी किया और साथ ही शूटर अमर कुमार ने हत्या के कारणों का खुलासा भी कर दिया। पाँच जून को करीब 8 बजे दिन में फतवा फोर लेन पर भिकुआ के पास एक कार से आ रहे रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। इस कांड को की गंभीरता को देखते हुए SDPO फतुहा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO फतुहा, SHO नदी, दीदारगंज, दनियावा, शाहजहाँपुर और SI रवि पासवान, SI ललित कुमार जो फतुहा थाना में प्रतिनिधित्व थे, उनकी वो भी टीम में शामिल थे। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी, जो मृतक के पहले बेटे की भी पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो दामाद है उसके खाते में दिखाया गया है कि RTGS 10 लाख रुपए के हुए हैं, जो कि मृतक के अकाउंट से हुआ था कुछ दिन पहले। इसके अतिरिक्त उस दामाद के जो भाई है वो कोई फ्रिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने इनके मृतक के पैसे को लेकर हेरफेर किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीन की दलाली की कई मामला आया है कि दामाद को ज़मीन दिलवा रहा था, तो उसमें भी कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी कि अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इस दिशा में टीम में शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और इस खुलासे से एक महत्वपूर्ण केस का उद्भेदन हो रहा है। सर, ये लोग प्रोफेशनल मतलब के शूटर थे कि कहीं से मंगवाया गया था कि लोकल थे? नहीं, ये तो फिलहाल जो शूटर है वो कंकड़ाबाग में रह रहा था, तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिंकेजेस देख रहे हैं बाकी अन्य केसेस। ये पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कल ही अरेस्टिंग हुई है। तो जैसे कि पहले बताएं कि मूल कारण पैसे की नियत से ही हुआ है और पवन कुमार का जो है मृतक के पहले बेटे की पत्नी से संबंध भी था और उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी रजिस्ट्री ऑफिस में। इसकी प्लानिंग कब और कैसे, कितने दिनों से चल रहा था? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो क्योंकि पवन कुमार लगातार प्रयास कर रहा था, ये जो पैसे का हेर फेर काफ़ी समय से चल रहा था और जब फरवरी या जनवरी में रिटायर किए उसके बाद से ही वो प्रयासरत था कि पैसे का गबन किया जाए। पैसे को लेकर कोई विवाद हुआ होगा ना, वार्तालाप कोई होगी, मृतक से झड़प हुआ होगा या कई बार कुछ अल्टीमेटम दिया गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ झड़प नहीं हुआ था, लेकिन उनको फील हो रहा था कि ये पैसे का गड़बड़ी हो रहा है। जमीन जो दिखाया गया था वो भी बताया जा रहा है कि जमीन सही जमीन नहीं था, वो उस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं आगे। टोटल कितने की टोटल 50 लाख की बात बताई जा रही है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास 23 लाख का है, 10 लाख जो उन्होंने RTGS किया है और 13 लाख जो है भाई जो है अपने फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा डाला है। सर, बाली है, टोटल जो भी है बाली है? जी जी जी।
रुपया इनका 50 लाख रुपया इन लोगों ने ले लिया था, मृतक का 50 लाख रुपया ये पवन और उसके भाई ने हड़प लिया था। अभी हमें कुछ ऐसा रिपीट किए हैं कि 50 लाख की जमीन की बात हुई थी जिसमें कि ये 10 लाख इन्होंने आरटीजीएस किया था, 13 लाख कोई फ्री फ्लाइट लिमिट कंपनी में डाला था। अब कैश कंपोनेंट का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कि मृतक अब बताने जमीन में पवन नहीं दिला। हाँ जी, पवन ही बोल रहा था कि कहीं जमीन दिला देंगे। गोली किसने मारी? गोली मारने वाले का नाम है अमर कुमार, कंकड़बाग का जो रहने वाला है। एक ही पिस्टल से गोली चली थी या अलग अलग है? ड्राइवर को अलग गोली मारी थी हमने उसमें। अब तो फसल जांच होगा वहाँ से, जो बरामद कारतूस हैं और इस हथियार का, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मतलब ये हुआ सर, इन लोगों ने 30 लाख रुपया ले लिया, जमीन जब उन लोगों ने मांगा तो हत्या कर दी, यही है बात। ऐसा बताया जा रहा था कि संभव जो ससुर थे उनको अब कन्विंस हो रहे थे कि उनके साथ गड़बड़ी हो रही है, इसके जो 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 अवैध संबंध है उसके संबंध में भी और ये पैसे को लेकर भी, तो दोनों चीज़ की उनको संदेह होने की बात बताई जा रही है। पवन कुमार, पवन कुमार और उसके भाई टिंकू कुमार और उसकी दूसरी पत्नी विभा कुमारी से मिलकर ये प्लान किया गया था, तीनों ने मिलकर प्लान किया था। और अमर कुमार को इसकी क्या भूमिका है? उसको भी गिरफ्तार किया? हाँ जी, उसको नहीं, उसको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ मिल के ये प्लानिंग किया गया, तीनों ने मिलकर प्लानिंग किया। हाँ जी, पवन की ही शादी है वो, इनफैक्ट ससुर के जो पहले बेटे की पत्नी है उसी से वो। किलर को भी कुछ पैसा दिया गया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 40,000 बता रहा है, 40,000 दिया गया था, 1 लाख समथिंग की बात हुआ था, 40,000 दिया गया। सर, गार्ड वाले में कुछ है?